गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। कौन यहाँ पे लग रहा है कि अभी अभी उठाया है? हम दोनों। बेटी देखो, तुम्हारी भी चाय रखी, मेरी भी चाय रखी है। चाय मत देखो, ये देखो किसकी कितनी चाय आई है भाई। ये मेरा कप एकदम छोटा था और इति का कप, जिसकी जितनी चलती है उसकी उतनी चाय आई है। और हम सबको पता है मेरे घर पे पूरी चलती है। ये दालचीनी का पानी है, इसमें नींबू डालते हैं। इति अच्छा होता है ना ये? दालचीनी की ये सौंफ और धनिये का पानी है। और मुझे जो बताया जाता है जैसा है अच्छा, मैं तो मान लेता हूँ। कभी इसमें पता लगा लड़ाई हो गई, कुछ और डाल दे तो भी मैं पी लूंगा। कभी कभी मेथी का पानी भी पिया है गाइस इसमें। मुझे नहीं पता, मुझे जो मिलता है बोलते हैं अच्छा है पी लो, क्योंकि मैं कभी भी अपनी वाइफ की बात नहीं डालता, क्योंकि एक औरत एक घर की लक्ष्मी होती है और उसकी पूरी इज्जत करना हमारा काम होता है। जय माता रानी। जय माता। अभी मुझे याद आया इसके याद दिलाने पे, आप मानोगे नहीं, इसने मुझे बोला कि बता जल्दी बताओ। इसमें देखा सपने में अमन को मारा। सपने में मारा होता तो मुझे कैसे पता होता? इसको लग रहा है इसने सपने में मारा, इसने मुझे उठ के मारा है। मतलब सो रही थी इस साइड, मेरी साइड घूमी हुई थी और इसने मुझे किया हट, और इसने मेरे को हाथ से मुंह पे मारा और उस साइड घूम गए। मुझे सपना आया, ये मुझे इतना इरिटेट कर रहा था। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं यहाँ किसी काम से गई हुई हूँ और ये मुझे कह रहा है नहीं तुम वहाँ जाके ये देखो ऐसे करो। मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी ये सब कर रही हूँ। कहते नहीं तुम ये करो वो करो, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैं समझा ही नहीं रही हूँ उसको कि यार मैं ऑलरेडी कर तो रही। अरे पर इसमें मेरा क्या दोष? इसके सपने में आता है कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और मुझे असली में चाटा पड़ रहा है। मुझे इतना हेल्पलेस फील हो रहा था, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही थी कि मेरी बात समझो। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने असली में इसको मार दिया। इसने मुझे मारा मुंह पे और उस साइड घूमने लगी। मैंने तो क्या हुआ तो बोलती मत करो, तो मैंने सोचा क्या पता मैंने कुछ करा हो, नींद में हाथ लग गया। नींद में मैं खूब गुस्से में आ गई थी। वर्कआउट हो गया है, वेट पता नहीं कम ही नहीं हो रहा, आज फिर बढ़ा हुआ आ रहा है जबकि कम होना चाहिए। फिर थोड़ी देर दिमाग लगाया तो याद आया, हाँ पहले मिक्सी चला लो, पूरे घर की मशीन चला दो। कल छोला पूड़ी खाए थे रात को डिनर में। एक मिनट आता हूँ। पूरा मैं उधर ऊपर रिकॉर्ड करा था, तुम मिक्सी चला रही थी, आवाज ही नहीं आ रही थी। जब मैं कम तंग करता हूँ तो ये जूती, जब ज्यादा करता हूँ तो इससे मार पड़ती है। इति आ जाओ 5 मिनट। वो भी मुस्कुराते जा रहे। क्या क्या नहीं बुला सकता, इतनी देर से आया हूँ बैठा हूँ, ये नहीं कि 2 मिनट टाइम दो मुझे। नहीं तो किचन में कैसे टाइम देते? मैं कौन हूँ तुम्हारा? कौन हो तुम? पति? हाँ कौन तुम? पति के आगे क्या होता है? पति के आगे क्या होता है बताओ, कल समझाया था तुम्हें? पति परमेश्वर। हाँ ठीक हो रहा हम जी। हाँ अब बताओ आज मेरे लिए क्या बनाया? पहले आज बन रहा है ब्रेड रोल। मिल रहा है मतलब क्या बन रहा है? ओ, रहा है बोला मैंने। ओके आज बन रहा है ब्रेड रोल, पुलाव, वाओ, सोयाबीन वाला, दैट्स ऑसम, और दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब बन रहा है? नहीं ये दो तो मुझे पता है। ओ तो ब्लॉग के लिए ज्यादा बोल रही थी कि ये सब बन रहा है। तो मुझे क्या पता और क्या बन, मतलब ब्राह्मण ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, सपने में लड़ाई की उसने उससे कि मैं सुबह सो के उठी तब से मेरा हेडेक हो रहा है। इसमें मेरी गलती है, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं अपने सपने में। आप लोग ये सोचो सपने में ये मेरे से तंग हुई तो इसने मुझे रियल में मार दिया। और अगर आप बस जस्ट इमेजिन, अगर रियल में तंग होती है तो मेरे साथ क्या क्या याद कहते रही है, हंस कहते रही है, इसको शर्मिंदगी है पर ये दिखा नहीं रही है। मेरी नींद खुल गई थी सपने में, परेशान होकर नींद खुल गई साइड में था मैंने। और मैं खुद में कंफ्यूज था कि शायद मैंने कोई गलती की है, मैंने सपने में हाथ वाथ मार दिया तो ये उठी, इसने मुझे हल्का था मारा मुंह पे, तो मैंने लगा क्या हुआ, तो बोलती है अच्छा मत करो, तो मैं खुद में कंफ्यूज हो गया कि क्या पता मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब सुबह इसने याद दिलाया कि मैंने सपने में तुम्हें मारा, मैंने हाँ मैं पिटा तो था रात को, फिर ध्यान है ये सपने में ही मेरे खिलाफ अपनी साजिश रच लेती है, क्या करना है इसको। मैं आप ये सोचिए कि मैं रियल में अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाती कि मुझे वाह भाई वाह फ्रस्ट्रेशन निकालना। वाह भाई वाह। हाँ तो सपने में मार तो खाए ना,
सपने में फ्रस्ट्रेशन क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन तो रियल में निकला ना। सपने की आड़ में मैंने तुम्हें मार तो दिया, ऐसे तो नहीं मार सकती। अच्छा बेटी। अरे तुम ब्लॉक कर रहे हो? नहीं मैं फोटो खींच रहा हूँ। नहीं यार ऐसे। मेरी लाइफ यही तो है थी। नहीं ठीक है फोटो ही खींच रहा हूँ। ठीक है खींचो। अरे हाँ, अरे यार कितना तंग करती हो यार। चले अब डेढ़ घंटा हो गया यार मेरे को ये सब कर रहे। डेढ़ मिनट तो नहीं हुआ। हाँ लेकिन डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ सॉरी। तो हाँ लेकिन गाइस 25-30 मिनट हो गए पर सॉरी गाइस मजाक। हाँ मजाक करो गाइस। मैक्सिमम 20 मिनट्स हुए लेकिन अब हम लोग का शूट हो गया। मैं बता दिया 5 मिनट तो नहीं हुई थी। घड़ी कसम से, कसम से गिन के 30 मिनट लगे गिन के। इसकी घड़ी लगे यार। ये देखो ये देखो ये देखो अभी थोड़ा शूट क्या करके आएगी। क्यों सो के रही हो तुम यार? इतना सर दर्द हो रहा है मेरा। और कितनी देर हम लोग ने शूट किया? 5 मिनट। और उसके बावजूद तुम लेटी हुई हो। फंस गई रे फंस गई। अब बोल दो ना कि 40 मिनट शूट लगा। नहीं झूठ क्यों बोलूं, 5 मिनट शूट किया, सर दर्द पहले से हो रहा था, अब आ गई रेस्ट करने, तभी तो 5 मिनट में शूट निपटा दिया मैं। एक सच्चा और ईमानदार देशभक्त इति कौरव हमारे देश। मतलब झूठ क्यों बोलना इसमें, झूठ क्या बोलना। नहीं तो अगर सर दर्द नहीं हो रहा होता गाइस तो आधे घंटे शूट करवाती, 4 पिक्चर क्लिक करवाती उसी में। हे खुदा थैंक यू उसको सर दर्द देने के लिए। तो अभी मैं और रिति अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है तो मेरा तो बहुत ऑब्वियसली शाहरुख खान है और मैं शाहरुख खान से मिला भी हूँ कश्मीर के एयरपोर्ट पर कोई फोटो वीडियो नहीं है और जब तक जान की शूटिंग चली थी। पर मैं रणबीर कपूर से जब मिला तो मैं उससे मिला था यहाँ पे फिल्म सिटी मुंबई में। तो जग्गा जासूस की शूटिंग के टाइम पे और मुझे याद है वहाँ पे कटरीना कैफ भी थी और रणबीर कपूर अपनी वैनिटी से निकला था और वो थोड़ा सा वॉक करके वापस वैनिटी की तरफ आ रहा था तो उसका बॉडीगार्ड किसी को मिलने नहीं दे रहा था। पर आप मेरी फोटो देखना बहुत अच्छी फोटो है उसके साथ और मैंने कितने स्टाइल से खिंचवाई थी, किसी को जाने को नहीं मिल रहा था। तो हुआ क्या था कि उसका बॉडीगार्ड यूं ही सबको हटा रहा था तो मैं उसके बॉडीगार्ड के पास था तो जैसे ही वो मेरे को बैठाने लगा मैंने बोला रणबीर को बोल अमन आया है तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि ये क्या बोला मैंने रणबीर को बोल अमन आया तो उसको लगा ऐसे कैसे तो उसको लगा क्या पता मैं रणबीर का कोई दोस्त हूँ या कुछ भी हूँ तो वो एक सेकंड के लिए थम गया। उसने मेरे को यू करके हटाया नहीं। मैंने रणबीर को बोला तो जैसे ही मैं पास पर मैंने हेलो सर बिग फैन ये वो करके और मैंने बोला सर एक फ़ोटो मतलब जो भी करके बोला और उसी के बॉडी गार्ड के हाथ में मोबाइल दिया और फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर मैं निकला और उसका बॉडी गार्ड शक्ल देख रहा था अपनी। उसकी शक्ल बन गई थी कि यार बताओ सबको धक्का देके हटा रहा था इसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि अमन कितना स्मार्ट है, कितना बेवकूफ बना सकता है। इससे यही सीख हर स्टोरी से भाई हाँ सीख मिलती है बट जेन्युइन इससे सीख मिलती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। भाई सैकड़ों लोग खड़े थे किसी कोई हिम्मत नहीं हो सकता। ये नहीं बोलो कि बहुत बड़ी चीज कर दी बट स्टिल उस टाइम पे ऐसे एक्टिंग की कि अरे मेरा दोस्त है रणबीर यार तो मैं जाके मिला समझी। वैसे इति ने भी बहुत सेलिब्रिटीज के साथ शूट किया पर इसने फोटो नहीं खिंचवाई और मुझे इस पे इस चीज को लेके ना बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं थोड़ा स्टार स्ट्रक हूँ। मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटी मिले तो उसके साथ फोटो जरूर खिंचाऊँ। अब आप देखो इसको बहुत कम के साथ खिंचवाती, जैसे जब भी मैं कहीं जाता हूँ रुको फोटो तो मेरे साथ इसको है लेकिन बाकी लोगों के साथ ये कम करती है तो मैं नहीं मन करता। सबका अपना अपना नेचर है, मुझे नहीं इतना वो शौक है। क्यों नहीं शौक है? बस सबका अपना। तुमने शाहरुख खान के साथ शूट किया है? हाँ। दीपिका पादुकोण के साथ शूट किया है? हाँ। श्रीदेवी भी थी? श्रीदेवी उस दिन नहीं थी मेरे साथ, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान थे बट कोइंसिडेंस ऐसा था कि उस दिन वहाँ पे परिणीति चोपड़ा भी थी यशराज स्टूडियो में। तो परिणीति बहुत अच्छी है नेचर की गाइस, वो शूट पे नहीं थी वो ऐसी आई हुई थी वहाँ पे। हाँ, वैसे स्टूडियोज में बहुत सारे परिणीति से मेरी बात होती है तो परिणीति कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाती। वो मतलब ऐसे सामने से हम निकल रहे थे तो वहाँ बैठी हुई थी शाहरुख अपने बेटे छोटा बेटा जो है उसको लेके बैठा हुआ था तो परिणीति खुद देख के हाय ऐसे किया तो एकदम से मतलब ऐसा लगा कि अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो उससे ये पता चला कि नहीं ये जेन्युइन है, ये जैसी दिखती है परिणीति चोपड़ा। जब भी हम लोग पार्टी में मिलते हैं परिणीति खुद आके मेरे को बोलती है अमन कैसे हो तुम, उसकी शादी में क्यों नहीं गए? मैं घुसता नहीं हूँ किसी के मतलब रिलेशनशिप में। पार्टी में मिलते परिणीति उसके पॉलिटिशियन हस्बैंड से मेरी ज्यादा नहीं बनती थी। अच्छा हाँ लेकिन अच्छा। परिणीति का नेचर हाँ, अपने आप अमन तो इनवाइटेड था ना। तुम बेइज्जती क्यों कर रही हो? तुम अपना काम कर लेना जो भी है ना जितना भी सोना है 4.5-3, 4.5-4, 6-8 घंटे सो लेना फिर मिलते हैं। कितनी खुश है कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा आप काम पे क्योंकि अब मैं सोऊंगी बिग बॉस देखूंगी।
बाय सुनाट्रा, आई लव यू, बाय बाय। क्या हाल है भाई? जीरा कैसे हो? मत करना मत करना मत करना मत करना मत करना मत करना। सो गाइस, रात के 9 बज के अब हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स की दिवाली पार्टी पे। सी यू गाइस। सी यू गाइस। सुनाट्रा अंदर नहीं जा सकते बाबू। सो गाइस, रात के बज गए हैं 3 और बहुत टाइम हो गया हमको पार्टी में, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा थक भी गए हैं। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सी यू गाइस। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।